अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नईम अहमद जी। नईम साहब, आपके साथ आपके साहबजादे हैं। यस। आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू। अच्छा जी, नईम साहब शख्सियत मर्द है जी, जिंदा न्यू एशियाई। यस। आपने कहा हुआ है कि अगर रिपीट हो रही हो तो आपको बता दें, बिकॉज टीम हमारी बहुत स्प्रेड हो चुकी है। इन माय ओपिनियन आई थिंक कि हम पहले कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम नॉट 100% इधर। वी डोंट वांट ओपिनियंस, क्योंकि इतने लोग चेंज होते रहते हैं। नोबडी इस वक्त मेरी टीम में जितने लोग मौजूद हैं किसी को नहीं पता, बट आई थिंक कि हम पहले कर चुके हैं। आप मुझसे पूछ ले, अभी आज जवाब आते साथ ही मैं आपसे पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, ये तो फिर बट लाइक जैसे जैसे आप क्लोज जाते हैं, सो चलिए जस्ट टू कीप इन माइंड, कोशिश ये किया कीजिए कि श्योर हो के। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है भैया और जिंदा नहीं है, नहीं है। ताल्लुक एशिया से है। एशिया से है जी? जी जी जी, ताल्लुक एशिया, जनूबी एशिया, साउथ एशिया से है। यस जी। शकील साहब सलाम अलैकुम एंड योर सलाम। आप सुन रहे हैं कि शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है और एशियाई है। साउथ एशियन पूछा हमने जी सर। ही सेज साउथ एशियन है। पाकिस्तान तो नहीं डिटरमाइन? नहीं, नहीं अभी ये नहीं पूछा। अच्छा नहीं। तो शकील साहब को भी मैं साथ अपडेट दे रहा था ना जी। तो ये बताइए कि ताल्लुक पाकिस्तान से जी। एक पाकिस्तानी जो जिंदा नहीं है और आप पूछिए कि योर ग्रेवयार्ड शिफ्ट स्टार्ट्स नाउ। नईम साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी? नहीं, 1972 के बाद 25 साल से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी। 1972 और 1997 के दरमियान। ठीक है जी। 72 और 97 के दरमियान, ये बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल के साल थे। बिल्कुल। वी शुड नाउ डिटरमिन शोभा। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो। इल्म और फजल से? जी। सूबे की तरफ जाएं शकील साहब जी। जी, पंजाब से शुरू कर लें। ताल्लुक पंजाब से है नईम भाई? जी जी, पंजाब से ताल्लुक है। इल्म और फजल से ताल्लुक है और अदीब हैं, शायर। पूछ लीजिए, हम पूछें शकील साहब क्या कहते हैं। जी जी बिल्कुल जी जी। अच्छा जी, अदीब हैं, शायर अदीब हैं जी, यानी वजह शोहरत अदब है। यस। 11 सवाल। सवाल भी 11 हो चुके। इनका 97 तक है जी, 72 से 97। 72 से 97। शायर मस्ट बी अ वेरी बिग, या नसर और पता कर लेते हैं। वाकई में वजह शोहरत उनकी नसर है जी? जी। वाकई में इश्फाक साहब फिट्स द बिल, रेडियो पे ले आए, रेडियो प्रोग्राम खैर वो एलिमिनेशन। इश्फाक साहब 97 से पहले फौत हो गए थे? आई थिंक सो। नो नो नो, शकील साहब इश्फाक साहब 97 से पहले फौत नहीं हुए थे? इंतकाल को तो अभी कल की बात है और ये 25 साल हो चुके हैं, ये कहा है ना, 25 साल, 25 से ज्यादा 50 से कम। तो डेफिनेटली ये ना अब्दुल्ला हुसैन है, ना मुन्नू भाई है, ना अशफाक अहमद है, बड़ा नसर निगार। किस किस्म का फिक्शन? नॉवल निगार। नॉवल निगार भाईजान, ये बताइए कि नॉवल निगार थे? नो नो, नॉवल निगार नहीं थे। 13 सवाल। इस दौर की एक शख्सियत जो हम भूल चुके हैं वो शोरश थे, शोरश कश्मीरी। शोरश कश्मीरी, लेकिन शोरश कश्मीरी लिटरेचर के हवाले से नहीं, वो हिस्ट्री के हवाले से जाने जाएंगे, क्यों हिस्ट्री से मुतालिक उनकी किताबें, यानी वो जो किताबें उन्होंने, उनकी बायोग्राफी टाइप जो किताबें थी वो आगा शोरश कश्मीरी हैं, जो 75 में इंतकाल हुआ था उनका। और दूसरा ये कि वो शायर भी थे। शायर भी थे और ड्रामेटिस्ट? नहीं नहीं नहीं, ड्रामा। और ये जो फिर ये कहना कि पहले हो भी चुके हैं, इस दौर में एक और लिटरेरी पर्सनैलिटी थी एहसम इकराम, हिस्ट्री पे जिनका बहुत काम है। नहीं नहीं, एहसम इकराम नहीं, ये वजह शोहरत उन्होंने कहा है, नसर है उनकी, नसर है, लेकिन नॉवल निगार नहीं। तो फिर भैया आप जाइए
अच्छा ये आपने कहा है कि वो शायर नहीं है, ऐसा ही है ना जी? आपने शायर का पूछा भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा शायर अदीब, आपने कहा यस। आपने पूछा आपने वजह शोहरत पूछी थी। वजह शोहरत उनकी शायरी नहीं है, मतलब वजह शोहरत उनकी नसर है ना जी? जी जी यस, नसर है। तो फिर ये शायर अदीब दोनों, इब्न इंशा के बारे में क्या ख्याल है? ही डाइड इन 78 और 79 आई थिंक सो या। इब्न इंशा और इब्न इंशा आज तक हुए नहीं वैसे, उनकी नसर भी है शायरी भी है। बट ये कह रहे हैं कि उनकी वजह शोहरत नसर है। नसर है, इब्न इंशा की वजह शोहरत शायरी है बाय द वे। बिल्कुल, वो कि उन्होंने नसर बहुत लिखी है लेकिन वजह शोहरत नहीं। भाई सुन रहे हैं ना मेरी गुफ्तगू? जी जी सुन रहा हूँ मैं। और ये वजह शोहरत जो है इनकी नसर है, और नॉवल नहीं है तो इसका मतलब फैक्चुअल है। मज़ार निगार हो सकते हैं, मज़ार हो सकते हैं। बड़ा मज़ार निगार है, अनसंग मज़ार निगार मोहम्मद खालिद अख्तर, उनका पीरियड भी यही बनता है। ही वॉज फ्रॉम बहावलपुर, वंडरफुल राइटर। पूछ लें बहावलपुर का पूछ लें। नहीं सर अभी कितने सवाल हुए? 13 क्वेश्चंस। 13 मज़ाह निगार की तरफ चले। ठीक है चाहिए। क्यों जी, मज़ाह निगार थे? नो, नॉवल निगार भी नहीं थे। नॉवल निगार भी नहीं, मज़ाह निगार भी नहीं थे। अफसाना निगार मुमताज मुफ्ती। व्हेन डिड मुमताज मुफ्ती डाई? भैया मुमताज मुफ्ती, शकील साहब आपको रेफरेंस तो नहीं देख रहे, चेक तो नहीं कर रहे गूगल से? नहीं नहीं नहीं, आप मेहरबानी करके इस तरह की कोई हेल्प ना लीजिएगा, ये अलाउड नहीं है। वी कांट कंसल्ट। बिला वजह चकूक पैदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लास्ट टाइम भी देखता था जब हमने इरा पूछते थे ना, तो ये फौरन साइड पे होके इनका हाथ जुम्बिश करने लगता था। मेबी कोई नोट्स ना वो कह रहे हैं ना कि मैं नाम लिखा है। अच्छा जी, मुमताज मुफ्ती, शौकत थानवी का तो खैर वो तो नावल है। मुमताज मुफ्ती, मसूद मुफ्ती, आह अफसाना निगार, चेहरे रगे संग। अभी हमने अफसाना निगार नहीं पूछा। और ये भी हो सकता है कि कोई मजहबी नौयत की शख्सियत है। क्यों जनाब, मजहबी शख्सियत भी है? जी, वासिफ अली वासिफ भाईजान, वो हम कर चुके हैं। कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो 15 सवाल। डॉक्टर रूबा सेज के मेरे ख्याल में ये रिपीट है लेकिन और किसी को नहीं पता, बट आई एम 100% श्योर कि ये हम कर चुके हैं। अच्छा जी, मजहबी शख्सियत अगर हैं तो एक तो वासिफ अली वासिफ को एक साइड पर कर, ठीक है। दूसरी मजहबी शख्सियत जिनकी वजह शोहरत उनकी नसर, मजहबी शख्सियत अदीब आपने कहा, अदब उनका ओढ़ना बिछोना, इसलिए मौलाना मौदूदी नहीं आ सकते, नहीं इसमें आ सकते। वासिफ अली वासिफ की डेथ इसी दौरान है। शकील साहब थोड़ा सा गौर कीजिए, लेट 90s या मिड 90s? मिड 90s मोर लाइकली, 97 से पहले की बात, मे बी अर्ली 90s। और वो कब्रिस्तान मियानी साहब में दफन है। जी जी जी, he lived in लाहौर। नईम साहब यू अंडरस्टैंड, जब मैं कह रहा हूँ मजहबी शख्सियत तो उनका मौजू मजहब, जी जी मजहब, तो फिर ये बड़ा एक डिफिकल्ट सा एक मामला आपने हमारे सामने रख दिया है कि वो मजहबी शख्सियत भी हैं और अदीब भी हैं। वो जाने जाते हैं अदब की वजह से, अपनी मजहबी खिदमात की वजह से नहीं। नहीं, ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह, आप तो बड़ी तैयारी करके आए। मसूद खदरपोश एक नसर निगार थे लेकिन उनकी वजह शोहरत अदब नहीं था। ये मेरे ख्याल में वासिफ अली वासिफ की तरफ जा रही है बात, उनके अलावा कोई और अपेरेंटली है कोई नहीं। देखें वासिफ अली वासिफ को इसलिए आप रूल आउट करते हैं कि इन्होंने फरमाया कि वजह शोहरत अदब है। वासिफ अली वासिफ की वजह शोहरत तसव्वुफ है। क्या ख्याल है शकील साहब? नईम साहब से क्लियर करने की बात है। नईम साहब, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। आप इस बारीकी को समझते हैं ना? जी जी हाँ, क्योंकि वजह शोहरत तसव्वुफ भी है। भी है वजह शोहरत तसव्वुफ भी है, अदब भी है, यानी मेन वजह शोहरत फिर तसव्वुफ हुआ ना? जी जी बिल्कुल। इट्स अ कट आउट केस फॉर वासिफ अली वासिफ। अशफाक अहमद साहब ने उनका बेपनाह तذکرہ किया। जी, हनीफ रामे भी उनके मुरीदान में से एक थे।
जी बिल्कुल जी ऐसे ही आपने सैयद वासिफ अली वासिफ पूछा। जी बिल्कुल जी। आपसे इस तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछना मेरे ख्याल में सूरज को चलाक दिखाने के मुतरादिफ है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ आपकी इस बात से। ये जो पर्सनैलिटी पूछने थे? यस। ये इसलिए कि बड़ी छोटी सी दुनिया है और फिर आपने इल्म और फजल पूछ लिया हमारा, तो ये उड़ना भी छोड़। आप खिलाड़ी पूछते, एक्टर पूछते, हो सकता है ना पूछ सकते, पॉलिटिशियन ना पूछ सकते, लेकिन इल्म और फजल के लोग वहाँ तक पहुँचना जो है ना। नहीं जी, आप दुनिया की हर पर्सनैलिटी आप भूल जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच।